हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे चीज़ पैटीज़। और ये जो चीज़ पैटीज़ है हमने आटे से बनाई है, आटे से बना हुआ है तो आप इसे हेल्दी नाश्ता भी कह सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाना इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो एक उबला हुआ आलू लिया है इसे कद्दूकस करेंगे। और फिर इस तरह कद्दूकस करने के बाद इसमें ऐड करेंगे एक कप गेहूं का आटा, थोड़े से चिली फ्लेक्स, स्वाद के अनुसार नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और एक बड़ा चम्मच ऐड कर देंगे तेल। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें एक साथ मिलाना है और इसका आटा गूंथकर तैयार करेंगे। तो अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, पहले जो हमने इसमें कद्दूकस किया हुआ आलू लिया है उसी से हम आटे को गूंथेंगे, फिर ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। तो बस इस आटे को गूंथने के लिए 3 से 4 चम्मच ही पानी लगेगा और बिल्कुल इस तरह से आटे को गूंथकर हम तैयार कर लेंगे। हाथों पर चिपके तो आप थोड़ा सा तेल लगा दें। और बिल्कुल इस तरह से जब आटा गूंथ जाए तो इसे हम ढककर साइड में रख देंगे। अब हम बनाएंगे इसकी स्टफिंग। तो यहाँ पर एक बोल में हम डालेंगे कद्दूकस की हुई गाजर, शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ली है चीज़, तो ये मोज़रेला चीज़ है जो कि हम पिज़्ज़ा बनाने में यूज़ करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अमूल चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ हमने ली है सबसे पहले इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। और थोड़ी सी चीज़ को हम उठा के रख देंगे जिसे हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो कद्दूकस की हुई चीज़ को हम जो सब्जियों का जो मिश्रण हमने बनाया है उसमें ऐड कर देंगे, स्वाद के अनुसार नमक। इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स, कुटी हुई काली मिर्च और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए इस तरह से मिश्रण बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब इसे हम साइड में रख देंगे और जो हमने आटे को गूंथ कर रखा था फिर से एक बार अच्छे से मसलते हुए गूंथेंगे और इसकी इस तरह छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ेंगे। बिल्कुल उसी साइज़ की हमें लोई लेनी है जितनी बड़ी लोई हम पूड़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और फिर लोई को रोल करके इसे हम पूड़ी के साइज़ के बराबर बेलेंगे। और फिर 1 चम्मच के करीब हम सब्जियों वाली स्टफिंग लेंगे, नीचे की साइड में इस तरह रखेंगे, थोड़े से चीज़ के स्लाइस कट करके रखेंगे। साइड से पानी लगाएंगे ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो ये अच्छे से चिपक जाए और ऊपर से इस तरह फोल्ड कर देंगे, हाथों से दबाते हुए अच्छे से चिपकाएंगे और अच्छे से हाथों से दबाते हुए इस तरह से इसकी हम शेप देकर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो शेप जो है आप इसकी कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम एक पूड़ी बेलेंगे। चारों तरफ से कट कर देंगे। नीचे की साइड पर स्टफिंग रखेंगे और जो हमने थोड़ी सी चीज बचाकर रखी थी थोड़े थोड़े से उसके पीसेस कट करके रख देंगे। नीचे की साइड पर पानी लगाएंगे, ऊपर से फोल्ड करके चारों तरफ से इस तरह चिपका देंगे
और इस तरह बिल्कुल पॉकेट्स की तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जो भी शेप आपको इजी लगे वो शेप आप इसकी बना सकते हैं। तो इसी तरह हम बनाकर और भी तैयार करके रख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हमने पैटी बनाकर तैयार कर ली हैं। तेल को हमने गर्म होने रख दिया था, तो तेल आप एक बार अच्छे से गर्म कर लें, फिर जो गैस का फ्लेम है लो कर दें। तो अब सावधानी के साथ इसे हम तेल में डालेंगे और धीमी धीमी आंच पर सेकेंगे। यदि हम आंच को तेज करेंगे तो बहुत ही जल्दी से ये ऊपर से तो पकेगी पर अंदर से जो इसका आटा है वो कच्चा रह जाएगा। तो आप इसे धीमी धीमी आंच पर ही सेकें, पलटते पलटते रहें। और जब बिल्कुल इस तरह से इनका कलर आ जाए, बहुत ही अच्छे से ब्राउन होकर क्रिस्पी हो जाए, तभी आप इन्हें प्लेट में निकाल दें और बाकी जो हमने पॉकेट्स बनाए हैं उन्हें भी फ्राई करेंगे गैस के फ्लेम को लो करके। तो बस इसी तरह हमें सभी को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कलर इनका बहुत ही अच्छे से आया है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। आप चाहें तो इन्हें इस तरह बीच से कट कर लें। और चीज़ आप देख सकते हैं अच्छे से मेल्ट भी है, तो सॉस के साथ या चटनी के साथ खाएं। और जब कभी कुछ अलग से बनाने का मन करे तो बनाकर इसे ट्राई करें। और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।